आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर लेते हैं। मुस्कुरा मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। अब सवाल ये है, बड़े सारे सर्वश्रेष्ठ हूं, बड़े सारे फ्रंट खुले हुए हैं सर, कोविड से लेकर किसान बहुत सारे, और आप कह रहे हैं 300+, कैसे होगा? 300+ वैसे होगा जैसे आपके मुंह से निकला है। सर मेरे मुंह से तो बेरोजगारी भी निकला है। मैं क्या कह रहा हूं ना, मैं उस पे भी आ रहा हूं अभी, ऐसे निकलेगा क्योंकि मां सरस्वती हर जगह नहीं विराजमान होती है, कोई बात होगी तो ही तो निकल रही होगी ये चीजें। तो आप स्वयं ही मेरे मुझसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसका उत्तर भी आप स्वयं दे दे रहे हैं। बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी आबादी देश की सबसे बड़ी यूपी में है, लेकिन बेरोजगारी की दर सबसे कम यूपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, और फिर दोबारा सत्ता में आ पाए। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने स्वीकार किया कि भाजपा दोबारा सरकार में आ रही है। मैंने पूछा, और आपकी ये बात सच होगी? मैंने पूछा है सर, स्पिन मत दीजिए योगी जी। आपके मुंह से शब्द निकले हैं और मैं मानता हूं ये सच होगा। देखिए, आपके लिए चुनाव अग्नि परीक्षा हो सकती है हम लोगों की दिश से, लेकिन हम लोगों ने हर एक दिन एक नई परीक्षा के दौर से गुजर करके बिताया है। उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन करके प्रत्येक नागरिक के मन में एक विश्वास भरा है। ये विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर भरा गया है, और प्रत्येक नागरिक तक दशकों से जिन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा, उन योजनाओं को पहुंचाने, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को चेंज करके उसकी पहचान को वापस दिलाने में जो सफलता प्राप्त की है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ 2017 के इतिहास को दोहराएगी, कोई संदेश में होना नहीं चाहिए। और मैं इस बात को मान सकता हूं कि अब तक के जितने चुनाव हुए हैं, हमारे लिए जो सबसे कठिन चैलेंज था वो 2019 का लगता था, जब देश में सभी राजनीतिक विश्लेषकों ने, मीडिया ने, सबने बोल दिया था कि यूपी का एक महागठबंधन हुआ है। उस समय परिणाम सबके सामने थे। प्रदेश के अंदर आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि जनवरी 2017 के पहले या मार्च 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मौत, भूख से मौत की खबरें आती थी। कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, या फिर अन्य जनपदों में मुसहर जाति के लोग, कहीं पर अन्य कोई ट्राइब्स या कोई ऐसी घुमंतू जातियां भूख से मरती थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मार्च 2017 के बाद एक भी व्यक्ति भूख से उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मरा है, और यही उत्तर प्रदेश है। अगर आप 2012 से 2017 के बीच का देखेंगे, एवरेज उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरे चौथे दिन एक बड़ा दंगा होता था, एक बड़ा दंगा होता था, और उस दंगे के कारण, नहीं दंगा होगा तो इस पक्ष का मरेगा तो उस पक्ष का भी मरेगा, क्षति इस पक्ष की होगी तो उस पक्ष की भी होगी, नुकसान बराबर होता था, लेकिन पेशेवर दंगाइयों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। और मैं कह सकता हूं हमारी सरकार 19 सितंबर को 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी, इन 4.5 वर्षों में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। एक चेंज उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन चेंज करके दिया है, इसने निवेश को यहां बढ़ावा दिया है। निवेशक आए, उन्होंने यहां पे निवेश किया, उद्योग लगाए, वह निवेश हमारे लिए यहां के युवाओं को रोजगार देने का एक माध्यम बना। आज यहां का युवा रोजगार प्राप्त कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और
बेहतरीन तरीके से वह आज आप ये डाटा मेरे नहीं है, आप भारत सरकार के उन डाटा को देखें, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य यूपी है लेकिन बेरोजगारी का रेट देश के अंदर सबसे कम कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही संभव हो सकता है, ये हम लोगों ने करके दिखाया। योगी जी, और इसी बात को आगे ले जाते हुए आपसे कुछ देर पहले अखिलेश यादव जी मंच पर थे, उन्होंने आपकी इन तमाम बातों को झुठला दिया। उन्होंने एक सिरे से ये कहा, और मैं उन्हें कोट करना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है, बेरोजगारी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन है, कुपोषण के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन है, भुखमरी से मरने वाले मौत के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। आपकी सरकार ने एक भी बिजली का प्लांट नहीं लगाया, आपकी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी नहीं की, आपने सिर्फ शिलान्यास अपने नाम किए हैं, अभी तक उद्घाटन नहीं कर पाए किसी भी चीजों का, 4.5 साल का वक्त था आपके पास। और खास तौर पर उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का नाम दिया, उन्हें कहा कि कुछ चीजों का क्रेडिट ये सिर्फ सरकार लेती है, शिलान्यास हमने किए, काम हमने किए, उद्घाटन करने योगी जी पहुंच गए। देखिए वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था और हमने कितना सच किया है। आज जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए और सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत कहा है, क्या नहीं कहना चाहिए था। तो आप सभी अपनी राय ज़रूर दें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी के बेमानी और भ्रष्टाचार का एक जीवंत स्मारक बनने जा रहा था। 340 किलोमीटर लंबा इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जिन्होंने उस समय बिड्स जारी की थी वह थी 15,000 करोड़ रुपए का। और जब ये हमारी सरकार आई तो मैंने इस बारे में पूछा कि भाई आखिर कार्य क्यों प्रारंभ नहीं हुआ है, क्योंकि मार्च में हम लोग आ गए थे 17 में, मैंने मई में इसकी समीक्षा की, कार्य नहीं हुआ था, प्रारंभ नहीं हुआ था। तो मुझे बताया गया साहब इसमें तो अभी जमीन ही नहीं ली गई है, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में जब तक 80% लैंड आपके पास नहीं आ जाती तब तक आप उस कार्य को अवार्ड नहीं कर सकते। इन्होंने गलत तरीके से जनता को भ्रमित करने के लिए टेंडर अवार्ड कर दिए, सारी कार्रवाई शुरू कर दी, जब जमीन ही नहीं है तो काम कहाँ से होगा। फिर हमने निरस्त किया, पूरी लैंड ली, जब 96% लैंड हम लोग ले लिए तब जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमने इसका शिलान्यास करवाया। आज हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य को हम इस महीने के अंत तक कंप्लीट कर लेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अब ये बोल सकते हैं कि हमने भी सपना देखा था, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड टाइम में हमने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन योगी जी के कार्यकाल में जो आउटर रिंग रोड का काम होना था वो हो नहीं पाया। यमुना एक्सप्रेसवे वो नहीं बनाए थे, उनकी बुआ जी बनाई थी, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का वो अधूरा उद्घाटन कर दिए थे। हमारी सरकार ने आने के बाद पैसा खर्च किया और अभी भी उसका बाकी भुगतान हमारी सरकार कर रही है। ये कह रहे हैं कि आप तीसरा एक्सप्रेसवे भी बना रहे हैं, वह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। चौथा भी हम बना रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे, इसमें भी कुछ बोल सकते हैं कि हमने भी एक सपना देखा था कि ये होना चाहिए लेकिन इम्प्लीमेंट करने की ताकत नहीं थी, हम में ताकत थी, हमने उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। 90% से अधिक लैंड हम ले चुके हैं और गंगा एक्सप्रेसवे का भी हम बहुत शीघ्र शिलान्यास करने जा रहे हैं, ये भी हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा मार्च 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ा था, ये भी मैं आपको बता दूं। आज हमारी 4 सिटी मेट्रो से जुड़ी हैं, 2 को हम नवंबर 21 तक कानपुर और आगरा में भी मेट्रो का संचालन कर लेंगे। हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, हम इस कार्यक्रम को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।
देश का पहला वाटरवे हल्दिया वाराणसी के बीच में हम चालू कर चुके हैं, और कोरोना के दौरान हम लोगों ने तमाम प्रकार की अपने प्रदेश के किसानों के द्वारा उत्पादित सब्जियों को और फलों का हम लोगों ने यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया है, और भी अन्य कार्यों में हम उसका उपयोग कर रहे हैं। ये सभी कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम मुद्दों पर देखिए, सपना देखना तो अच्छी बात है। उन्होंने 400 का सपना देखा है सर। अच्छी बात है। तो मेरी सहयोगी ने सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया, सीटें ही 403। ओह, मैं वही कह रहा हूँ ना कि 500 कैसे नहीं कह दिए, क्योंकि जब बोलना ही है तो कुछ भी बोल सकते हैं। और आपकी नियत पर सवाल उठा, उन्होंने कहा कि वो जो भी मैनिफेस्टो लाते हैं वो दरअसल मनीफेस्टो होता है, ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जाती है जिसमें सरकार पैसा बना सके। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 15,000 करोड़ रुपए में लोग बना रहे थे, हम लोग उसी को 11,000 करोड़ रुपए में बना रहे हैं। 4,000 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा था ये पूछा जाना चाहिए, 4,000 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा था ये? और ये 2016 के बजाय हम 2018 में बना रहे, 2 वर्ष के बाद हमारा कार्य प्रारंभ हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो गया था। और तो और, मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, उनका संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है, और आजमगढ़ की जनता बेचारी धोखे में पड़ गई। अगर एक अच्छे भोजपुरी कलाकार निरहुआ को वहां पर चुनाव जिताई होती तो आजमगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ा होता। आप मुझे बताइए, आजमगढ़ की जनता ने अपने सांसद का सकल पहले और दूसरे कोरोना कालखंड में कभी देखा? नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा, यानी ये समय है जब संकट के समय अगर नेता अपने जनता के बीच में नहीं है तो फिर नेता कैसे? इस सब सेल्फ क्वारंटीन में थे, निकलने की फुर्सत नहीं थी। कल हमारी सरकार का अन्न वितरण का एक बृहद अभियान था, तो वो भी दिखाने के लिए कि हम भी हैं, तो अपनी एक BMW साइकिल लेकर के निकल पड़े थे कुछ देर कर पिकनिक के लिए। तो ये पिकनिक मना करके आप प्रदेश की जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। प्रदेश की जनता आपके सभी कारनामों को जानती है। सपना देखना बुरा नहीं है, वो आपका अधिकार है, लेकिन आप जो है उत्तर प्रदेश की जनता आपको समय आने पे सर, आप लोगों ने प्रथा बड़ी अच्छी शुरू कर दी है। अभी भी आप कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से ही सवाल पूछते रहिए। नहीं, मैं किसी से प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। पिछले प्रश्न में एक बड़ा मुद्दा छूट गया, आपको याद है, या मैं याद दिला दूं? बेरोजगारी। बेरोजगारी के सवाल पर रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे जवाब नहीं हो सकता है योगी जी। ये कहा जाता है कि जितना जमीन पर काम हो नहीं हो, आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर लेते हैं। मुस्कुरा मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। अब सवाल ये है, बड़े सारे फ्रंट खुले हुए हैं सर, कोविड से लेकर किसान बहुत सारे, और आप कह रहे हैं 300+, कैसे होगा? 300+ वैसे होगा जैसे आपके मुंह से निकला है। सर, मेरे मुंह से तो बेरोजगारी भी निकला है। मैं क्या कह रहा हूं ना, मैं उस पे भी आ रहा हूं अभी, ऐसे निकलेगा, क्योंकि मां सरस्वती हर जगह नहीं विराजमान होती है। कोई बात होगी तो ही तो निकल रही होगी। ये चीजें तो आप स्वयं ही मेरे मुझसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसका उत्तर भी आप स्वयं दे दे रहे हैं। बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी, आबादी देश की सबसे बड़ी यूपी में है, लेकिन बेरोजगारी की दर सबसे कम यूपी में है। आप देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 2017 के बीच इन दोनों सरकारों ने जितनी भी भर्तियां की होंगी उनमें सब में कहीं ना कहीं आरोप लगे, मामला न्यायालय में गया, न्यायालय को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी थी। 12 से 17 के बीच में तो ये सभी भर्तियां विवादित हुई थी।
हम लोगों ने पिछले 4.25 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और एक एक विभाग का बकायदा आपको मिल जाएगा कि कैसे हमने 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है, लगभग 1.5 लाख के आसपास पुलिस में भर्तियां की हैं, जिसमें 30,000 तो केवल महिला आरक्षी भर्ती हुई हैं। अन्य तमाम विभागों के 4.5 लाख की संख्या है और किसी भी भर्ती पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। 1.61 करोड़ से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने विभिन्न जो प्रदेश के अंदर निवेश हुए हैं यहां पर उन्हें नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया है। स्वतः रोजगार के साथ पीएम स्टार्टअप योजना में, पीएम स्टैंडअप योजना में, ओडीओपी की योजना में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना में 60 लाख ऐसे यूथ को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जोड़ने में अब तक सफलता प्राप्त की है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, अभी आपने देखा होगा, देखिए इससे बड़ी कसौटी दूसरी नहीं हो सकती। संकट के समय और